सो है एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत है तुम्हारा राइटर सिक्स के एक और बड़ा न्यू वीडियो में। एंड आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल नहीं हेल्पफुल होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग भाई अपडेट के लिए वेट कर रहे थे। तो यार आज के वीडियो में तुमको पता चलेगा कि अपडेट कितने तारीख को आने वाला है, कब आने वाला है, कितने बजे मेंटेनेंस ब्रेक होने वाला है, पूरा एग्जैक्ट टाइम मैं तुमको बताऊँगा। एंड ये 100% कन्फर्म है, ठीक है, ये डिले वेले नहीं होगा, आई थिंक सो डिले नहीं होगा, ये कंफर्म है, ठीक है, क्योंकि मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है अभी के टाइम पे। तो यार पूरा डिटेल से बताऊंगा एंड साथ ही साथ तुम लोगों को एक बहुत ही अच्छा गेम प्ले देखने के लिए मिलेगा। एंड तुमको पता चलेगा कि भाई जो कैंपर्स है इस गेम के अंदर उनको कैसे मारते हैं, तुमको बहुत ही अच्छी टेक्निक बताऊँगा जिसका यूज़ करके मैंने इस गेम के अंदर बहुत सारे कैंपर्स को मारा है। एंड तुम भी उसका यूज़ करके बहुत सारे कैंपर्स को मार सकते हो, बाकी तुम्हारे टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखो मैं पोर्टल में आया था एंड पोर्टल के यहाँ पर भाई कुछ लोग फाइट कर रहे थे जो आपस में मार मार के मर गए। तो मुझे भी किल मिल गए थे, अच्छे खासे दो किल मिल गए थे, लेकिन ये इतना इनफ नहीं था। यहाँ पर जो अभी जिस बंदे को मैंने मारा है वो बंदा फिर से जो है वो रिवेंज लेने के लिए आता है। तुम लोग मैप में देख सकते हो, यहाँ पर मैंने जो स्कैनर यूज़ किया तो भाई बंदा मेरे ऊपर था, मैंने इसको जस्ट अभी ही मारा था एंड इतनी ही टाइम में बंदा फिर से आ जाता है। एंड इसके पास रहता है भाई शॉटगन, ठीक है, मुझे कैसे पता चला, तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने पहले स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत इसको फायर दिया जो कि कनेक्ट हो भी गया था, उसके बाद भाई मैंने आओ देखा रहता हूँ सीधा घुच्चा वाले स्ट्रैटेजी अपनाई एंड डायरेक्ट ऊपर चढ़ गया। अब इस बंदे को पता नहीं था कि मैं ऊपर हूँ, ठीक है, ये इसको लगा कि मैं भाई बाजू से घूम रहा हूँगा, पत्थर के आजू बाजू शॉटगन लेके पीछा कर रहा था, लेकिन बंदा भाई बचता नहीं है, आराम से इसको मार देते हैं। फिर मैं आगे की तरफ जाने लगता हूँ, इतने में बंदा फिर से आता है एंड पीछे से फायर देके मेरा जो हेल्थ है अच्छा खासा डाउन कर देता है, लेकिन फाइनली मैंने इसको भाई स्प्रे देके ख़त्म कर दिया था। एंड तुमको यहाँ पर मैं एक ग्लिच दिखाता हूँ जो कि गेम का ही ग्लिच है, तुम अगर यहाँ पर देखोगे थोड़ा ऊपर तो देखो ये बंदा शायद AFK हो गया है कि क्या है पता नहीं, लेकिन इसका जो प्लेन है वो अभी भी स्टिल गेम के अंदर शो कर रहा है। तो भाई राइडर सिक्स वालों अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो जिसका कि बहुत ही कम चांसेस है, तो अगर बाई चांस देख रहे हो तो इस चीज़ को फिक्स करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि क्या फ़ायदा उस पर गोली मार के जब उसको डैमेज ही रजिस्टर नहीं हो रहा है, तो गोली मार के भी कोई फ़ायदा नहीं। मैंने 8-9 रिलोड खर्च कर दिए थे इसके ऊपर और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो या वहाँ से हम यहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक टाइटन था एंड ये जो टाइटन था भाई पहले से ही किसी ने बुक कर लिया था और इनके बीच में चल रही थी फाइट। एक बंदा जो है और ये सामने फार्म के वेयर हाउस के अंदर है, मतलब सेकंड फ्लोर पे, एंड एक बंदा जो है उसके बाद उसे टाइटन लेके जा रहा था। अब टाइटन वाला बंदा जो है थोड़ा बाहर की तरफ रहता है, मैंने उसको देख लिया था, तुम भी देख सकते हो यहाँ पर है। एंड इसने जो है गंट्राप या जो भी इसको बोलते हैं रोबोट जो फायर करता रहता है उसने बैठा दिया था। तो भाई यहाँ पर बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन चल रहा था, लेकिन अगर तुमने साउंड ध्यान दिया होगा अच्छे से सुना होगा तो जो टाइटन वाला बंदा है वो मर चुका था, ठीक है, एंड यही था वो बंदा जिसने घंटा बैठाया था। तो हाँ, अंदर वाला जो वेयरहाउस वाला बंदा है उसने मार दिया था टाइटन वाले बंदे को। तो यहाँ पर मैं लूट करता हूँ लेकिन तब तक मेरे फायर आ जाता है। तो भाई अभी कुछ ना कुछ करके मेरे को यहाँ से लूट भी लेना होगा, हेल्थ का सामान भी लेना होगा एंड उसके बाद अंदर वाले बंदे को इस ये जो कैंपर है जो बहुत ही हार्ड TBP लेके बैठा है इसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो मैं फिर से लूटता हूँ, अंदर जाता हूँ एंड ये बंदा कंटिन्यूसली गोली चलाता रहता है, जैसे ही गोली बंद होता है मैं फिर से लूटता हूँ एंड ये जो गन ट्रैप है ये मैं उठा लेता हूँ। अब तुम लोग कमेंट में बताना कि इसका नाम क्या है, गन ट्रैप है कि क्या है, मेरे को याद नहीं है अभी, ठीक है, तो हाँ तुम लोग कमेंट में बता सकते हो। एंड अभी देखो सीधा सिंपल स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, मैंने जैसे कि बताया था बहुत ही अच्छा टेक्निक बताऊँगा कैंपर को मारने के लिए। तो यहाँ पर ऊपर जाओ, गन ट्रैप बैठाओ एंड नीचे चले जाओ, ये एक बहुत ही अच्छा टेक्निक रहता है। अगर कहीं पर बंदा जो है TPP ले रहा है एक सेफ जगह पर तो तुम वहाँ पर जा सकते हो। अभी ये भागने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इसको पता है कि ये यहाँ पर रहेगा तो मरेगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि गन ट्रैप को ख़त्म भी कर सकते, ब्लास्ट भी कर सकते, गोली मारना पड़ता है। यहाँ पर मैं मारता हूँ, देखो गन ट्रैप की वजह से ये बंदा पहले से इतना डैमेज हो गया था कि अगर मैं इसको 2-4 गोली मारता था तो ख़त्म था, ठीक है। तो यहाँ इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा बहुत लूट करता हूँ एंड उसके बाद जाता हूँ सर्कल के साइड पे क्योंकि जोन आने वाला था एंड जोन के बाहर नहीं रहना है, ठीक है। हाँ, जोन के बाहर जितना कम हो सके उतना कम रहो, अभी स्टार्टिंग में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए मैं यहाँ पर टाइटन लेने आ जाता हूँ। एक्चुअली मुझे लगा था कि यहाँ पर जो टाइटन है वो किसी का पालतू होगा, लेकिन जब मैं आता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये एक जंगली टाइटन था जिसको मार के मैंने इसको अपना बना लिया था एंड उसके बाद
गाड़ी लेके मैं सीधा निकल जाता हूँ सर्कल की तरफ। हाँ रुको, सामने ही गाड़ी है तो इसको लेके जाएंगे। एंड अभी तो भाई बंदों को मारना शुरू करेंगे, अभी तक शुरुआत मैंने किया नहीं था। तो या वहाँ से आके मैं सर्कल के अंदर आता हूँ, थोड़ा सा हेल्थ रिकवर करता हूँ। अब यहाँ पर ना एक बंदे ने स्कैन किया था थोड़ी देर पहले, जिसके वजह से मैंने अपना जो लोकेशन है डिटेक्ट कर लिया था उसने। तो मैंने भी भाई आराम से पहले स्कैन किया, बंदे को मार किया। बंदा तुमको दिख गया होगा सामने की तरफ दौड़ता हुआ। हाँ सामने जो छोटा सा विलेज है, सी टाउन है, जो बोलो सी टाउन तो वैसे इसको भी बोलते हैं। तो हाँ यहाँ पर ही था एक बंदा। एंड उसका तुम कैंपिंग देखो ज़रा, मतलब सीज़न का एंडिंग चालू है और बंदे अभी भी कैंपिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर से एक गंतरा बैठा हुआ था अब एनिमी का, मैंने देखा था। देखो वो अंदर ही है, तो मैं अंदर आता हूँ। यहाँ पर कोई नहीं है। एंड ये देखो बंदा घर के अंदर सांप बना हुआ फिर रहा है। देखो इतना अभी ज़्यादा कैंपिंग अच्छी बात नहीं है, ठीक है। गेम खेलने आए हो भाई, गेम खेलो, इतना ज़्यादा कैंपिंग मत करो, कैंपिंग से कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत लूट और कर लेता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ गाड़ी लेके बंदों की तलाश में, क्योंकि बंदे मारना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने फिर से स्कैन यूज़ किया और मुझे दिखा कि यहाँ पर तीन तीन बंदे हैं एंड तीनों ही मेरे आजू बाजू है, मतलब हाँ टाइटन के आजू बाजू था। तो तीन में से एक हाथ तो एक तो शायद बॉट ही निकलता है। यहाँ से मैं गाड़ी घुमाता हूँ, टाइटन के साइड पे जाता हूँ। अब तुमको यहाँ पर बंदा दिख गया होगा, ये एक बॉट था बेसिकली। मैं इसको मारता हूँ पहले। एंड सामने ये वाला बंदा मेरे को रियल लग रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से फायर दे रहा था रियल बंदा लग रहा था, लेकिन फिर भी हाँ रियल ही बंदा था। एंड ये वाला बंदा भी रियल होता है, जो कि टाइटन को ना मार के मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसको आराम से निपटा देता हूँ। एंड फिर यहाँ से थोड़ा बहुत लूट करता हूँ एंड लूट करने के बाद फिर हम जाएंगे दूसरे बंदे की खोज में। लेकिन जब तक मैं ये लूट कर रहा होता हूँ, तब तक मैं तुमको अपडेट के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि तुम लोग भाई वीडियो उसी लिए तो देखने आए हो। तो हाँ अपडेट के बारे में बताता हूँ। अपडेट जो है वो आने वाला है 25 तारीख को, मतलब और दो दिन बाद अपडेट आने वाला है। एंड मॉर्निंग के 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक उसका टाइम चलेगा, मेंटेनेंस टाइम। और अगर बात करें इसमें आने वाले फीचर्स के बारे में, तो न्यू कैरेक्टर स्किन मिलेगा तुमको, मतलब आने वाला है। एंड साथ ही साथ इसमें कुछ न्यू फीचर्स एंड इवेंट्स आने वाले हैं। एंड एक्साइटिंग फीचर्स ऑप्टिमाइजेशन और पक्स गेम स्टेबिलिटी फिक्स की जाएगी। तो हाँ अपडेट ठीक ठाक है। न्यू स्किन आने वाला है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले ही किसी ने बोला था कि भाई पुराने स्किन से हम थक गए। ठीक है, अब पहले इसको मारते। देखो इसके पास एक बहुत ही खतरनाक गन था, जो कि तुमको अभी पता चलेगा कि क्या था इसके पास। ठीक है, अब जैसे मैं इसको लूटता हूँ, इसके पास होता है आरपीजी, मेरे को पता चल गया था थोड़ा बहुत, क्योंकि जब मैं इसके पास आ रहा था तब ये जो है गन चेंज कर रहा था। बेसिकली इसके पास पहले दूसरा कोई गन था एंड साथ में आरपीजी था, जो जैसे इसने देखा कि मैं आ रहा हूँ वैसे इसने हाथ में आरपीजी ले लिया था। तो भाई मैंने भी पीछे से गया, पहले उसको चिकन बनाया एंड उसके बाद उसको मारा। ठीक है, तो तुम ऐसे जिस कर सकते हो, अगर कोई बंदा कैंप कर रहा है तो तुम ऐसे भी उसको मार सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक बंदा होता है अंदर की तरफ, मैं पहले इसको भी चिकन से मारने वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे मैंने थ्रो किया चिकन में खुद ही बन गया। मैं मतलब अपने पास तो गिराया नहीं था मैंने, और जिसको चिकन बनना था वो भाई सेफली यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने एक और चिकन ग्रेनेड मारा, उससे काम नहीं हुआ तो मैंने पीछे एक और मार दिया, तो मुझे पता था वहाँ पर वो गाड़ी स्लो होगा थोड़ा बहुत। तो हाँ यहाँ पर ये चिकन बन गया था, मैं इसको डैमेज करता हूँ, गोली और मार देता था बट टाइटन आ गया था। और ये बंदा फिर से चिकन बन जाता है जैसे ठीक होता है, क्योंकि मैंने दोबारा से चिकन ग्रेनेड मार दिया था। ये निकल के भाग ही नहीं पाता, जैसे ये चिकन बना था ना इसको भागना चाहिए था भाई, उससे थोड़ा बहुत चांसेस होता था कि ये भाग सकता है, लेकिन जो भी हो अपने लिए अच्छा है कि ये भाग नहीं पाया। अब देखो इसको मारने के बाद एक बंदा बचता है जो कि कैंप कर रहा होता है, एक्चुअली दो बंदे बचते हैं, लेकिन ये इसमें से एक ऐसा बंदा होता है जो बहुत ही हाई लेवल कैंपिंग कर रहा था। एंड इस बंदे से तुम पहले भी मिल चुके हो फार्म में, ठीक है, जो फार्म में भेरा उसमें कैंपिंग कर रहा था ना, वही बंदा यहाँ पर आ रहता है। एंड ये इस बार कैंपिंग कर रहा था हेलीकॉप्टर के वहाँ पर। देखो बंदा हेलीकॉप्टर में चढ़ के भागा नहीं, ये स्टिल बैठा हुआ था कि कैसे ये दूसरों को शिकार करेगा। एंड यहाँ पर एक बंदा आ रहा होता है स्केटबोर्ड से, भाई बंदे ने बहुत ईजीली उसको टपका दिया था, इसका एम भी ठीक ठाक था। तो हाँ अभी इसको हम मारने वाले। अब सिंपल सा ट्रिक देखो जो मैंने इससे पहले किया था ना, अभी भी सेम वही करूँगा। एंड थोड़ा सा बस देखो ऊपर गया, घंटरा बैठा है, सीधा नीचे चले जाओ। जब भी यहाँ पर तुमको कोई बंदा दिखे ना कैंप करते हुए, ऊपर घंटरा बैठा हो, सीधा नीचे चले जाओ। मैं क्यों बोल रहा हूँ तुमको अभी पता चल जाएगा। अभी नीचे आया मैं, देखो बंदा सीधा नीचे कूद गया, ये कंफर्म है। देखो वहाँ पर ऊपर ना ज़्यादा स्पेस रहता नहीं है और रहता है थोड़ा ओपन एरिया, तो वहाँ पर अगर घंटरा तुम बैठा होगे
तो 100% चांस है कि बंदा नीचे ही कूदेगा, क्योंकि बंदे को छुपने के लिए जगह मिलेगा नहीं। और जब तक वो गन ट्रैप को डिस्ट्रॉय करेगा, उसको लग रहा होगा कि तुम भी सीढ़ी पे ही कहीं पे हो। जैसे ही बंदा गन ट्रैप को मारने की कोशिश करेगा, तुम उसको मार दोगे, यही सोचता रहता है बंदा। वहाँ से नीचे कूद जाता है, अब क्योंकि वो पहले से डैमेज था और ऊपर से उसको जो है फॉलिंग डैमेज मिला हुआ होगा, तो जैसे नीचे आएगा ना, दो चार गोली मार दो, बंदा ख़त्म। इसलिए ट्रैप बैठा के तुरंत नीचे आ जाओ, वेट करो। अगर वो नीचे नहीं आता या फिर तुम्हारा गन ट्रैप फूट जाता है, फिर तुम ऊपर जाके उसको मार सकते हो। सो या गाइस, यही था आज का वीडियो। आई होप कि तुमको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो ऐसे अमेजिंग वीडियोज देखने के लिए। एंड फिर मिलता हूँ मैं तुमको किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।